जयपुर सीकरी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जितनी जितनी गर्मी मौसम की बढ़ रही है, ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव की गर्मी भी उतनी ही बढ़ चुकी है। कैसा चुनाव चल रहा है और जनता का कैसा समर्थन आपको? देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं किस प्रकार से पिछले लगभग 43 दिन हो गए होंगे टिकट की घोषणा हुए, लगातार बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी सभाएं लगातार चल रही हैं, कितने बड़े बड़े रोड शोज हुए जिन पे हजारों हजारों लोग सड़कों पर उतर के आए। तो मोदी जी के प्रति जो प्रेम है जनता में वो अपार है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राजकुमार को अपना सेवक बनाने के लिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से एक बड़ी प्रचंड जीत मोदी जी की होगी। योगी जी के नेतृत्व में एक बड़ी जीत होगी और राजकुमार सांसद बनकर फिर सेवा का अवसर उसको मिलेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता में दिन प्रतिदिन उत्साह भी बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं अन्य दलों के पास जहाँ कार्यकर्ता ही नहीं है, वहाँ हमारे बूथ के अध्यक्षों के सम्मेलन भी लगातार चल रहे हैं, पार्टी के कार्यालय भी लगातार सब लोग खुली गए हैं, तो गांव-गांव भी जाने का काम शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कमल के निशान पर वोट लगाने के लिए 7 मई को हमारे क्षेत्र की जनता तैयार है, उत्साहित है। दो बड़े कार्यक्रम इस लोकसभा चुनाव के अंतर्गत होंगे, 7 मई एक बड़ी तारीख है और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी जी किरावली में जनसभा करने वाले हैं। इस दौरान आप अपनी लोकसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, 18 अप्रैल को गुरुवार का दिन है, तो 18 अप्रैल को गुरुवार को प्रातः 10 बजे मैं घर से चलूँगा और नामांकन के लिए, पर्चा भरने के लिए, गांव की भाषा में पर्चा भरना बोलते हैं, वैसे नामांकन बोलते हैं। और वहीं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उनका बड़ा स्नेह है कि कुछ दिन पहले ही शमशाबाद में आए और 22 अप्रैल को वो किरावली में आ रहे हैं, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी बड़ी एक सभा किरावली में होगी। और 7 मई का चुनाव है तो कमल के बटन पर, कमल के निशान पर, आगे वाले बटन पर सब लोग बटन दबाएंगे और प्रचंड बहुमत से मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे और उसी में से राजकुमार सेवा के योग्य बनेगा। तो मैं सभी जनता से यही अपील करता हूं कि जितने भी कार्यक्रम हों सब में आप लोग आइए, एक नए भारत के निर्माण के लिए, एक नए भारत के निर्माण के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, राष्ट्र के लिए मतदान करें। छोटी मोटी बातें और जातिवाद और ये अन्य बातें जो हैं, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का है, उस पर ध्यान दें, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं, राजकुमार को अपना सेवक बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर बता रहे हैं कि किस तरीके से अब की बार 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरा करने जा रही है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुछ जी महाराजा न्यूज आगरा।